नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर के दो गुटों के बीच किस तरीके से खूनी जंग हुई है। कई वाहन इसमें क्षतिग्रस्त किए गए हैं और ये पूरा मामला है जमीनी विवाद को लेकर के जो कई देर तक चलता रहा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डवाना गाँव की है। कब्जे को लेकर के विवाद हुआ है दो गुटों के बीच में। एक गुट के कई लोग गाड़ी में सवार होकर के आए और बकायदा जमीन पर कब्जा लेने को लेकर के हमला किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर खूनी जंग यहाँ पर हुई है। सुनाते हैं लोग क्या कुछ इसमें कह रहे हैं और पूरा मामला सुनते हैं लोगों की जुबानी। जमीन हमारी है, काश्तकार हमसा गैर मरुसी, और उन्होंने किसी से कैसे ली कैसे ना ली, छलिया से ली कैसे ली, यहाँ आकर अब गोली चलाई इन्होंने। कितने लोग हैं? केस चल रहा है हमारा, हमने बंटवारा का डाला है, हमारा केस चल रहा है और उसका सटे का भी केस चल रहा है, लेकिन जबरदस्ती आकर ट्रैक्टर चला लिया खेत में। कितने लोग थे? बहुत घना, तो 200 आदमी। फिर ये आपके हाथ में और ये चोट कैसे लगी? ये गोली लगी, ये तो वहाँ चली है गोली, वहीं बैठे थे हम, ना आया ना उड़ान, ये तो सारा ही वो ठीक चले गए। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक गुट का आरोप है कि दूसरे गुट के लोग गाड़ियों में भर करके आए थे और जमीन पर कब्जा लेने के लिए किस तरीके से उन्होंने वहां पर कोहराम मचाया, किस तरीके से कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। सीधी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध कब्जा करना था और मेरे गोली मारी फॉर्चूनर वाली गाड़ी वाला। क्यों मार? मतलब जो जमीन है ये किसकी है? ये जमीन मारी है, मारी है जमीन, और वह अवैध कब्जो करना आया किसी ने, कौन है? और सारा गुंडा था। कौन लोग हैं? कितने कितने थे? कितने लोग? लगभग 200-300 आदमी था। अच्छा, और सारा रेवाड़ी का गुज्जर और जैसे खरीद रखी से वो लेकर आए थे। जो पुलिस भी है मौके पर आई होगी? पुलिस पहले भाग गई, पहले आई थी फिर भाग गई, और दोबारा फिर अब आई थी, पीट कूट का हमने चला गया। अच्छा, और सबका हथियार था। फिर आपका आरोप जैसे लगा रहे हो पूरी पुलिस नहीं बचा रही है? पुलिस मुमालिक, आप थाना में चलो, हमने थाना बुला लेगी हमारा बड़ बुला, हम वहाँ बैठा था और ये यही था, एक दिन आ गया था, वापिस आके और मारे ऊपर पथराव करो और गोलियां चलाई। मतलब पुलिस की देखी, पुलिस चली गई थी, पुलिस चली गई। बड़ा बुढ़ा ने पिताजी हर ने सब बोला चलो थाना, और जिन दूसरी पार्टी थी उनने भी थाना में लेगी, और पीछा जो गुंडा लेकर आया था जिनने जमीन जिन पर झगड़ो करवाए थे वह आकर मार पर पथराव और गोलियां चलाई। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हैं घड़ी बोलनी रोड स्थित डवाना गांव की, जो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और ये सीधे लठ चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई है, उसके फुटेज भी सामने आए हैं, किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है साफ तौर पे आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस ने जो पहुंची और उसके बाद पूरे मामले को संभाला है वहां पर, किस तरीके से मामले को शांत वहां पर कराया है, यह बताता है कि रेवाड़ी की कानून व्यवस्था क्या है। क्या पुलिस को इस चीज की भनक तक नहीं लगी कि घड़ी बोली रोड डवाना गांव पर जो बाईपास पर है, किस तरीके से वहां पर जो है जमीनी विवाद को लेकर के, जमीन पर कब्जे को लेकर के जो है एक गुट के लोग वहां पर गाड़ियों में भर करके पहुंचे हैं और वहां पर दूसरे गुट पर हमला किया, ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव डवाना में दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होने की संभावना आई थी, और जिस पर सूचना आने पर इसमें तुरंत पुलिस मौके पहुंची है, और जिसमें कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, फायरिंग भी हुई है। फायरिंग का भी हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, कोई खोल या कुछ ऐसा नहीं मिला कोई। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आता है तो हम कर रहे हैं। इनकी ओर से आरोप लगाया जाएगा पुलिस मतलब अनदेखी करे, पुलिस के सामने इस तरह का हमें चौकी में बुला लिया पीछे से इस तरह का? नहीं, दोनों पक्षों, जब पुलिस शुरू में आई है तो दोनों पक्षों का है चौकी में आ जाए।